धन शहर के लिए सीवरेज का ढिंढोरा काफी समय से पीटा जा रहा था, आश्वासन भी दिया जा रहा था, घोषणाएं भी होती रही थी, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक अजय सोलंकी जी के अथक प्रयासों से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस समस्या से पूरी जानकारी दी, उनको कन्विंस किया और इनकी बात से प्रभावित होकर इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 140 करोड़ रुपए नाहन शहर के लिए सीवरेज के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए हमारे विधायक और मीडिया बंधु बधाई के पात्र हैं। दूसरा, पार्किंग की भी यहाँ समस्या है, तो निकट भविष्य में जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि ढाबों में भी पार्किंग की नई योजना बन रही है, जिसका 3.5 करोड़ का प्राकलन तय किया गया है। तो इस तरीके से विकास की जो निरंतर प्रक्रिया है, लोगों के जीवन स्तर को, लोगों को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रयास है, वो माननीय विधायक महोदय सादगी से, सहजता से, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। आज नई सरकार बनने से खास तौर पे कर्मचारी बंधु ब्यूरोक्रेट्स राहत महसूस कर रहे हैं। उस समय बड़ी अपमान के घूंट पीने पड़ते थे राजनेताओं के दबाव में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है, वो प्रशासन में कर्मचारियों को चेहरे से साफ झलकता है कि हमारे नाहन निर्वाचन क्षेत्र की लगभग 80% सड़कें बारिश से, भूस्खलन से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। बड़े कम समय में जो क्षतिग्रस्त मार्ग थे उनको बहाल कर दिया गया है। इस समय मुश्किल से ही 2.5% सड़कें हैं जहाँ पे काम चला हुआ है, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन शुरू हो गया है। जिन स्रोतों से, जिस योजना से पानी की सप्लाई निरंतर थी है, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शायद कुछ पेयजल की बहाली अभी बाकी है, तो आज शायद 2-3 ट्यूबवेल्स को और बिजली के कनेक्शन हो जाएंगे।